स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सिखाएंगे, किस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके उनका रूट फाइंड कर सकते हो, और उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन बच जाएंगे यानी कि 7 से 12 उन वीडियोज़ को बना देंगे, ठीक है। और बाकी मैंने हमेशा की तरह बता दिया आपको कि प्रीवियस जो मैं वीडियो बनाता हूँ और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जा करके आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, जैसे कि 13 से लेकर के आगे जितने भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ इस वाले चैप्टर का या फिर इस एक्सरसाइज का, ठीक है। उन सभी का जो हमारा लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो, यानी कि आपको बार बार सर्च करके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चंस। देखो जो फर्स्ट नंबर है वो कितना हमारे पास 225 है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर फाइंड कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। वो मेथड क्या है, हमने जो एक्सरसाइज 3A में पढ़ा था ना सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, थोड़ा सा रूट के थ्रू इसको सॉल्व करना पड़ रहा है। तो देखो इस तरीके से आपको फाइंड कर लेना है पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमारे पास 225 है, लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो ही जाएगा। उसके अलावा आप चेक कर लो ये 5 2 7 और 2 9 यानी कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो आप जिस नंबर से भी डिवाइड करना चाहो उस नंबर से कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप छोटे नंबर से ही करो, अगर बड़े से हो रहा है तो बड़े से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको 5 से कर लेते हैं, मान लो एग्जाम में आया और अचानक से आपने 5 से कर दिया तो वो गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो आपका सही रहेगा। जैसे देखो 5 4 हो जाएगा 20, बच गया 2, यहाँ पास 22 में से 2 बच गया, 20 कट होने के बाद, तो वो 2 आगे जाकर कैसे 25 बना देगा, तो 5 5 जो हो जाएगा हमारा 25। उसके बाद ये 49 5 आ गया है, तो 5 9 जा हो जाएगा हमारा 45। अब देखो ये 9 आ गया ना, अभी किसे कट रहा है, 3 से कट हो रहा है, तो 3 3 9 और फिर 3 1 3। इस तरीके से इसके हमको क्या करने हैं, फैक्टर फाइंड करने हैं। अब लिख लेना है यहाँ पर आपको कि 225 इक्वल टू हमारा कितना आता है, तो 5 5 3 3 ये इतना जाता है। अब आप क्या करोगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर ऐसे पैक कर दोगे। स्क्वायर रूट में पैक करने से होता क्या है कि जो भी उसके वैल्यूज़ हैं इनका जो पेयर बन रहा है ना वो 1 1 टाइम लिखा जाता है, यानी कि ये 5 2 टाइम था तो 1 टाइम 5 लिखा जाएगा, ये 3 जो 2 टाइम था वो 1 टाइम लिखा जाएगा, यानी कि जो 5 का स्क्वायर था ना वही स्क्वायर क्या होता है, इधर ट्रांसफर हो जाता है और इसको स्क्वायर रूट बना लेता है। समझ आया बात, अगर मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊं तो हम इसको क्या करते थे, पहले लिखते थे ना कि 5 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 3 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और फिर दोनों स्क्वायर को क्या करते थे एक बार कॉमन ले लेते थे, ठीक है। तो वही चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखना है, उसको और सिंपल तरीके से लिखना है, यानी कि जो स्क्वायर है उसको इधर लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, इसलिए कहा जाता है अंडर रूट, ठीक। अब इसी को क्या करना है आपको, सॉल्व कर देना है, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 225 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो वो 15 का स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर रूट कहलाता है ना ये 15 जो है इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। ये होता है मतलब सेम वही क्वेश्चन जो हमने क्या बोलते हैं 3A में पढ़ा, 3A से शायद 3B था जो भी था एक्सरसाइज, वहाँ पर जो हमने पढ़ा है सेम वही टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। तो ये हो गया एक क्वेश्चन सॉल्व, आइए जल्दी जल्दी इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे पास 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 441 दिया हुआ है, आइए जल्दी से इसका भी फाइंड कर लेते हैं फैक्टर क्या क्या होगा। तो ये देखो 4 4 8 1 9 यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से कर लेते हैं, 3 1 3 हो जाएगा, 4 में से 3 कट हुआ 1 बच गया, वो आगे जाकर किसे 14 बना देगा, तो 3 4 12 14 में से 12 कट हुआ बच गया 2, वो आगे जाकर किसे 21 बना देगा, तो 3 7 21। अभी किससे कट हो रहा है देख लेते हैं, 7 और 4 हो जाएगा हमारा 11 और 1 12 यानी फिर से ये 3 से कट हो रहा है, तो 3 4 12 हो गया यहाँ पर, और फिर 12 में से 2 बच गया यानी 14 में से 2 बच गया, 2 आगे जाकर के इधर चल जाएगा इसे 27 बना देगा, तो 3 9 हो जाएगा हमारा 27। अब 49 आ गया, 49 किससे कट होता है, केवल 7 से होता है, तो 7 7 49 और फिर 7 1 7। तो इसके जो हमारे रूट निकल गए वो कितने निकल गए, तो हो जाएगा हमारा इस तरीके से आप लिख लो एक बार 441 इक्वल टू 3 3 7 7। तो ये हमारा आ जाएगा, सॉरी 444 मैंने लिख दिया है, अंडर रूट में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 441 इक्वल टू 3 7। यहाँ पर से 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ से 7 का एक पेयर बन गया, तो अंडर रूट 441 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 7 21 यानी कि 21 मल्टीप्लाई अगर हम 21 करते हैं ना तो हमारा कितना आएगा 441 आ जाएगा। यही होता है स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है, क्या जो हमारा रूट है उसका आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, यानी कि 21 मल्टीप्लाई 21 करो तो आपका कितना आ जाएगा 441 आ जाएगा, उसका मतलब यही होता है, ठीक। ये हो गया 2 नंबर का सॉल्व, आइए 3 नंबर सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो 3 नंबर में क्या हमारे पास है, 7 2 और 9 दिया हुआ है, चलो इसका मैं यहीं पर डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं, 7 2 9 एक बार लिख लेंगे और इसको फाइंड कर देंगे। तो ये हमारा कितने से डिवाइड हो रहा है चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9 और 9 18 यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से ही कर लो, 3 2 6 हो जाएगा, 7 में से 6 कट हुआ बच गया 1, वो आगे जाकर किसे 12 बना देगा, तो 3 4 12 और फिर ये 3 3 9, फिर ये देखो 3 से कट हो रहा है, कैसे हो रहा है, 3 8 24 और 3 1 3।
और देन फिर ये 3 से हो रहा है, तो जब तक होते जा रहा है तब तक करते जाओ। 3 की देखो 3 कैसे हो रहा है ये मुझे कैसे पता चल रहा है, मैं नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है जो आपको मैंने क्लासिक से पढ़ाया था वो यहाँ पर आपका काम आएगा। नंबर को ऐड करो, अगर वो हमारा 3 से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि फिर पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा, जैसे 8 और 19 3 से डिवाइड हो जाता है ना, तो 81 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 2 जा 6 हो गया, बच गया यहाँ पर से 2, वो आगे जाकर किसे 21 बना देगा, तो 3 7 जा 21। अब ये तो 3 से दिख ही रहा है, हिसाब से डिवाइड होता है, 3 9 जा 27, फिर 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, और लास्ट में फिर 3 से हो रहा है, 3 1 जा 3। तो इसके जो हमारे स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे है ना, यानी कि फैक्टर निकल जाएंगे, वो कौन कौन से निकलेंगे, तो आप लिख लो इस तरीके से 729 इक्वल टू हमारा 3 मल्टीप्लाई कितने टाइम हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम हो रहा है, तो 6 टाइम यहाँ पर 3 लिख लो, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6 टाइम। ठीक, अब हमको क्या करना है, सिंपल इसको स्क्वायर रूट में शो कर देना है कि हमारा 729 लिखते हैं तो ये 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ से 3 का एक पेयर बन गया और यहाँ से 3 का एक पेयर बन गया, तो ये हो गया हमारे टोटल 3 पेयर्स 3 के। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 729 इक्वल टू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ये हो गया इसका आंसर, यानी कि 27 मल्टीप्लाई 27 करोगे ना तो 729 आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जल्दी से अब। ठीक, देखो कितना सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा रूट पता होना चाहिए, बस ये फाइंड करने आना चाहिए। ये आपको क्लास 6 में मैंने सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 7 भी सिखाया है, फिर भी 8 में मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट कर ही दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आते जाए। ठीक, तो आपको सीखते जाना है, यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, सीखते भी जाओ और सॉल्व भी करते जाओ। तो ये हमारे पास है 1296, ये साइड में इसका फाइंड कर लेते हैं कितना निकलता है, तो 1296 को हम देखो लास्ट में 6 है, 2 से हो ही जाएगा ये, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, यहाँ पर 9 में से 8 कट हुआ, बच गया 1, वो आगे जाकर किसे 16 बना देगा, तो 2 8 जा 16, फिर 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर लास्ट में 4 आ गया यानी कि 2 से फिर हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 इधर गया, तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, फिर 2 से हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, अब ये 2 से देखो नहीं हो रहा, तो हम किसी को जानते हैं किससे होगा, ये अब 3 से होगा क्योंकि 8 और 1 9 आ गया, तो 3 9 जा है ना, सॉरी 3 9 जा बोल रहा हूँ, 3 2 जा 6 हो गया और फिर ये 1 इधर गया, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 2 इधर गया, जैसे यहाँ पर हुआ था ना सेम उसी तरीके से, इतना ही आ जाएगा हमारा। तो जल्दी से आप इसी को चाहो तो उतार भी सकते हो, जैसे ये 3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 9 टाइम पे 27, फिर 3 टाइम पे 9 और फिर 3 1 जा 3, इतना निकल गया हमारा। अब इसको आपको यहाँ पर लिख देना है कि 1296 इक्वल टू हमारा 4 टाइम आ गया है 2, तो ये हो जाएगा हमारे 1 2 3 4 टाइम 2 हो गया, और 3 हमारे पास कितना है, तो ये भी हमारे पास 4 टाइम है ना, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आप इसको 4 टाइम इस तरीके से लिख लो 3 को। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 लिखा मैंने और एक और लिख लो, पेयर कितना बन रहा है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और ये 4 पेयर हमारे पास बन गए, तो इसको अंडर रूट में डाल दो, 1296 इक्वल टू इस पेयर में से एक 2 लिख लो, यहाँ पर वाला 2 लिख लो, ये हमारा 3 हो जाएगा और यहाँ से एक 3 लिख लो। ठीक है, अब ये हमारा कितना बन जा रहा है, तो 1296 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12 और 12 3 जा 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ठीक से एक बार चेक कर लेते फिर से, 2 2 जा 4, 4 3 जा हमारा कितना होता है, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा होता है 36, तो ये बिल्कुल सही हमारा आंसर है, इसका जो होगा 36 होगा स्क्वायर रूट। ये जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये स्टार्ट करते हैं, इसका फैक्टर फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 2025। ठीक है, इसके फैक्टर्स कितने होते हैं चेक कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट में 5 है तो 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, उसके अलावा देखो ये हमारा 5 2 7 और ये 2 9 हो जा रहा है, यानी कि टोटल ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो अगर आप यहाँ पर 3 से कर देते हो तो बाद में नहीं करना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर नहीं करते हो तो बाद में 3 से करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो कि आप स्पीड में चेक नहीं कर पाए 3 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो 5 से भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ अभी, देखो 5 4 जा 20 हो गया। अब उसके बाद देखो जैसे हमारा डिवाइड का रूल होता है ना, सेम वही हमारे पास यहाँ फैक्टर फाइंड करने के भी रूल होते हैं। डिवाइड में क्या होता है कि जब हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेते हैं तो कुछ जीरो वगैरह नहीं लगाना है, लेकिन उसके बाद फिर से अगर हम 2 डिजिट एक साथ ले लेते हैं तो क्या करना पड़ता है, एक जीरो लगाना पड़ता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम 0 लगाएंगे और 5 5 जो लिखेंगे 25। समझ में आया, जो रूल वहाँ पर है डिवाइड में वही रूल है, यहाँ पर हम एक तरह से डिवाइड ही कर रहे हैं इसको। उसके बाद देखो अब ये फिर से 5 से हो रहा है, तो 5 8 जा हो जाएगा 40 और 5 1 जा 5। अब देखा मैंने बोला ना 3 से करना ही पड़ेगा, तो 81 बन गया, जल्दी से 3 से कर लो, 3 का टेबल 27 टाइम पे आता है 81, फिर 3 9 जा हो जाता है 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसको बस लिख दो कि हमारा 2025 इक्वल टू कितना जा रहा है, तो 5 2 टाइम आ रहा है और 3 जो है 4 टाइम आ रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये 3 टाइम हो गया और ये 1 4 टाइम हो गया, तो बस यहाँ से इसको अंडर रूट में डाल देंगे तो हो जाएगा ये 2025। ठीक, इक्वल के उस साइड में ये 5 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर और ये 3 का एक पेयर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2025 इक्वल टू 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45, यानी कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ था 2025, ये 45 का स्क्वायर रूट था। लास्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का, उसे भी सॉल्व कर लें, कितना दिया हुआ हमारे पास 40
और 96, ये दिया हुआ नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। 40 और 96 लिख लो। देखो लास्ट में हमारे पास 6 है, 2 से 2 डिवाइड हो ही रहा है, तो ये 2 से ही शुरू करते हैं। 2 जा 4, ये 0 का 0 उतर जाएगा, फिर 2 4 जा 8 हो जाएगा, 1 इधर चल गया, तो ये बन जाएगा हमारा 16, तो ये बन जाएगा 2 8 जा हमारा 16, फिर 2 से हो रहा है तो 2 1 जा 2, 0 का 0 उतर गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है तो 2 5 जा हो जाएगा 10। स्टार्टिंग में हम 2 डिजिट ले सकते हैं, उसमें कोई 0 रो नहीं लगाना है, उसके बाद जब हम 2 डिजिट लेंगे ना एक साथ तब लगाएंगे, तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट काम हो जा रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, इसमें से 1 बच गया, वो आगे जाकर के इसको 11 बना देगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना, 2 डिजिट का मतलब है कि जो पहले से दिए गए ना उनको, जैसे अब यहाँ पर ये 11 बना है तो बन तो गया 2 डिजिट, लेकिन क्या हम यहाँ पर 0 लगेगा, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा कैरी होकर के 11 बना है। अगर हम यहाँ पर 12 को अगर एक साथ लेते हैं ना तब हमको यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है, समझ आए बात। अब ये हो गया 11, तो 2 5 जा हो जाएगा 10, 11 में से 10 कट हुआ, बच गया 1, वो आगे जाकर इसे 12 बना देगा, तो 2 6 जा 12, फिर 2 से हो रहा है, जब तक 2 से होगा 2 से ही करेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 इधर गया तो 2 8 जा 16, कंटिन्यू करते जाओ, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देन 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और फिर लास्ट में 2 1 जा 2। देखा आपने कितना सारा हमारा पूरा ये 2 से ही हो गया, तो टोटल कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप क्या करो, अब इतना 12 तो 2 2 लिखने की जगह ही नहीं है, तो सिंपल इसको डायरेक्ट अंडर रूट में लिख दो, यानी कि 40 और 96 को डायरेक्ट अंडर रूट में डाल दो, और यहाँ पर टोटल 12 6 थे, तो हमारे कितने बच जाएंगे उसमें से, जब हमारा अंडर रूट में आ गया है तो सबका पेयर बन जाएगा 2 2 का यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 2, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, यानी कि जब बहुत ज़्यादा नंबर हो जाते हैं ना तो आपको क्या करना है, एक ही बार में उसको अंडर रूट में डाल देना है। जैसे यहाँ पर हम एक बार लिख लेते थे उसके बाद अंडर रूट में डालते थे, यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्टेप को स्किप कर देंगे और सीधे उसको अंडर रूट में भर देंगे, तो ये हमारा टोटल 12 टाइम था, तो 6 टाइम का पेयर बन गया हमारा, 1 2 3 4 5 6। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई रफ साइड में करना, मैं यहीं पर करके आपको चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले चलो, तो जितना होता है उतना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा हमारा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा हमारा कितना होता है 32, और 32 जा हमारा कितना होगा 64, तो यहीं पर हो गया हमारा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया और आंसर आ गया। तो देखा आपने कितना सिंपल था। इसी तरीके से हम आगे के जो क्वेश्चन है ना, थोड़े से वो बड़े नंबर होते जाएंगे और कुछ नहीं है, सेम मेथड ही रहेगा, बस नंबर्स बड़े होते जाएंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना सिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।